इज माइनस हाफ, तो प्लस माइनस हाफ ऑफ बी सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, तो जो भी आपका साइन होगा वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा बीच में। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म मेरी नेगेटिव थी तो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे ले लिया, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस विल बी ए स्क्वायर बाय 16, 1/4 का आपका स्क्वायर हो गया 1/16, ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके दैट इज ए स्क्वायर बाय 16, एंड देन दिस इज माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो दिस इज प्लस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो जो हो रही है, पहले 2 से 2 कैंसिल आउट होके ए साइंस देखो अब कौन कौन से रह गए, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड ए इंटू बी, और साथ में क्या रह गया 1/4 इंटू 1 दैट इज 1/4, तो यू कैन राइट इट डाउन एज 1/4 ए बी, और जैसे यहां हम कर रहे थे ए बी अपॉन 4, दैट इज योर चॉइस। नेक्स्ट वाले में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब साइंस देखो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस बी, एंड देन यहाँ अगेन कैंसिलेशन की मैंने, साइन सभी के पॉजिटिव थे यहाँ पे, तो दिस इज प्लस ए बाय 2, सो दिस इज द एक्सपेंशन। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना था हमने इसको, तो वी हैव सिंप्लीफाइड दिस, या एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी वी हैव यूज्ड ओवर हियर इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। आपने ध्यान रखना है whatever identity you are using you are to mention that in the question, ताकि आपके marks जो हैं वो deduct ना हो। So ये आपका question था। Now the next one again factorize। So using the identity जो भी बनेगी आपकी, आपने factorize करना है। कल एक हमने फैक्टराइज में किया था, व्हेन वी वर हैविंग थ्री टर्म्स एंड आउट ऑफ दी दोस थ्री टर्म्स टू वर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हम कर रहे हैं वी आर हैविंग 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म्स हैं, जब मैं इनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, 4x स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9y स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16z स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तीनों के तीनों क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, तीन टर्म्स में परफेक्ट स्क्वायर्स वाला मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो इट इज हैविंग 6 टर्म्स, तो मैंने यहाँ पे टर्म्स चेक कर ली, 1, 2, 3, 3 टर्म्स मेरी परफेक्ट स्क्वायर वाली है, उसके बाद 3 टर्म्स में दो दो टर्म्स का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट, y और z का प्रोडक्ट, x और z का प्रोडक्ट, तो इट मींस ये वाली जो है मेरा एक्सप्रेशन है ये किस आइडेंटिटी से आया मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। अब यहाँ पे मेरे पास जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं, बट हेयर आई एम हैविंग द नेगेटिव टर्म्स आल्सो, तो यहाँ हमने क्या करना है, जो मेरे पास नेगेटिव टर्म्स हैं उसमें से मुझे नेगेटिव टर्म्स में जो कॉमन वेरिएबल है जो हर एक में आ रहा है दैट आई हैव टू चेक। एक्स वाई वाली टर्म पॉजिटिव है, इसको छोड़ दो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों टर्म्स को मैं ऑब्जर्व करूंगी, तो इसमें जेड जो है मेरा वेरिएबल वो दोनों में आ रहा है, इट मींस जो मेरा वेरिएबल दोनों में आ रहा है उसको मुझे नेगेटिव ले लेना है, क्योंकि उसके कारण ये दोनों नेगेटिव बन रहे हैं। अगर एक्स और वाई में से कोई नेगेटिव होता तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आना चाहिए था, तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा कॉमन वाला वेरिएबल है उसको नेगेटिव ले लेना है, तो इट मींस जो मैं अब z वाला लेके चलूंगी दैट आई हैव टू टेक एज नेगेटिव 1, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखा, x वाली टर्म मुझे पॉजिटिव ही बनानी है, y वाली टर्म भी मुझे पॉजिटिव बनानी है, बट
जेड वाली टर्म मुझे नेगेटिव बनानी है, तो 16z स्क्वायर को आई विल राइट डाउन -4z का स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम पॉजिटिव। अब यहाँ पे प्लस 2ab 2bc 2ca वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो प्लस 2 दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज सी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 2x, बी की जगह 3y। अब इसको एक बार चेक करो, 2 2 4, 4 3 12, एक्स वाई ये बन रहे हैं। अब नेक्स्ट प्लस 2 इंटू आगे क्या है, बी सी, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, बी इज 3y, सी इज -4z। अब इसको चेक कर लो एक बार, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, मेरा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। अब न्यूमेरिक वैल्यू चेक करो, 2 3 6, 6 4 24, यहाँ पे 24 आ रहा है, वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड, यानी कि इस टर्म को मैंने ये रीराइट कर दिया। देन लास्ट में मेरे पास क्या है, 2 इंटू सी इंटू ए, सी क्या है -4z, ए क्या है 2x, तो अगेन यहाँ पे 2 इंटू सी इंटू ए, तो इसको भी एक बार चेक कर लो कि ये टर्म आपकी वो बन रही है या नहीं बन रही। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो यहाँ मेरा नेगेटिव साइन है। अब न्यूमेरिक वैल्यू चेक करेंगे, 2 4 8, 8 2 16, 16 है, देन एक्स इंटू जेड, जेड इंटू एक्स या एक्स इंटू जेड, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि जो आपकी मल्टीप्लीकेशन है दैट इज कॉम्यूटेटिव। तो ये मैंने इसको रीराइट कर दिया इन द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। तो इसको मैं रीराइट कर लूंगी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। अब इसको अगेन हम ओपन करके लिखेंगे, सो दिस विल बी 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, क्योंकि फैक्टराइज था तो पावर 2 नहीं छोड़नी है हमने, तो वी विल राइट इट डाउन एज दिस। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। आपने ध्यान रखना है तीन टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है, टोटल मेरे पास 6 टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स का स्क्वायर और टोटल 6 टर्म्स में आपका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला बनता है। तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लिया, तीन स्क्वायर्स बन रहे थे मेरे। उसके बाद ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू थर्ड, थर्ड इंटू फर्स्ट, तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ट्वाइस ऑफ सेकेंड इंटू थर्ड, ट्वाइस ऑफ थर्ड इंटू फर्स्ट, जो जो इनके आगे साइन थे वो आपने ले लेने हैं। साइन हमने कैसे चेक किए कि जो यहाँ पे आपकी विदाउट स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं उसमें जो जो नेगेटिव हैं उनमें से कॉमन फैक्टर उठाओ, कॉमन वेरिएबल उठाओ, जेड यहाँ पे भी था, जेड यहाँ पे भी था, तो जेड वाले को मैंने नेगेटिव ले लिया। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस देन यू कैन आस्क फॉर, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सेम टाइप का करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। इन द नेक्स्ट वन आई एम हैविंग 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy माइनस 4 प्लस 4√2y माइनस 8xz। सो अब अगेन देखो 6 टर्म्स हैं जिसमें से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, यानी कि तीन टर्म्स स्क्वायर वाली हैं, और यहाँ पे बेशक आपका 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट जब मैं अगली टर्म्स को देख रही हूँ तो अगली टर्म्स में क्योंकि वहां पे रूट 2 है, तो इट मीन्स ये हम 2 की फॉर्म में, रूट की फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। हमें पता है रूट 2 इंटू रूट 2 जो है दैट इज 2, तो इट मीन्स ये भी मैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ और ये भी लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट वाले चेक करने हैं हमने, नेगेटिव साइन है इसमें 2√2xy वाले में और -8xz वाले में, तो कॉमन वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, x, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हम x को नेगेटिव लेके चलेंगे।
तो इनको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में पहले हमने लिखना है 2x का स्क्वायर। 2 किसका स्क्वायर बनता है आपका, रूट 2 का। तो दिस इज √2x² वाई स्क्वायर है, तो वाई किसका स्क्वायर बनता है आपका, वाई का। 8z² इज द स्क्वायर ऑफ 2√2z। अब मैंने स्क्वायर्स तो लिख लिए, नेगेटिव साइन लगाना था। नेगेटिव साइन वाली टर्म्स में देखो कॉमन वेरिएबल x है, तो x वाली टर्म को मैंने क्या ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है। तो ये मेरे स्क्वायर्स बन गए। अब मुझे इनको चेक करना है विद +2ab +2bc +2ca कि मैंने ये सही बनाए हैं या नहीं। तो +2 into दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। तो अब मैं ले क्या रही हूँ, 2ab। तो 2a की जगह -2√x और b की जगह y। अब एक बार इसको चेक कर लो, +(-) इज -, -(+) इज अगेन -, नेगेटिव साइन आ रहा है। देन 2√2 into 1, 2 into √2 into 1 is 2√2। अब x इंटू वाई है, x इंटू वाई है, तो इट मीन्स मैंने जो ये स्क्वायर्स बनाए हैं मेरे, ये सही हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या लेना है हमने, 2bc। b क्या है, y, और c क्या है, 2√2z। तो 2 into y इंटू 2√2z। अब इसको चेक करेंगे हम, यहाँ पे जो है हमारा बन रहा है +(+) इज +, +(+) इज+, यानी कि ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव बनेगी। 2 2s are 4, √2 साथ में एज इट इज आ जाएगा, और y(z) यहाँ पे दिस इज, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, दिस इज yz, यहाँ z लिख लो बेटे, दिस इज y(z), तो y(z). अब लास्ट वाला क्या है, +2ca, तो +2ca, तो 2 as it is, c की जगह 2√2z, इंटू ए की जगह -√2x। अब इसको भी एक बार चेक कर लो, +(+) इज+, +(-) इज-, तो ये टर्म आपकी माइनस आ रही है। अब न्यूमेरिक वैल्यूज चेक करो, 2 2s are 4, √2 into √2। कल भी आपको मैंने बताया था, जब रूट वाली दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, सेम टर्म्स होती हैं, तो उनको हम विदाउट रूट लिख लेते हैं। तो 4 2s are 8 आ रहा है, x(z), तो z(x) या x(z), दैट इज 1 and the same thing। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, a² + b² + c² + 2ab +2bc + 2ca। तो दिस इज इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू ए, ए की जगह है -√2x +b + c होल स्क्वायर। सो दिस इज -√2x +y + 2√2 into z। मैंने z यहाँ चेंज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, z है या 2 है। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे भी मैं z चेंज कर देती हूँ, सो दैट नो कंफ्यूजन इज देयर कि z है या 2 है। दिस इज योर z। सो दिस इज द क्वेश्चन, इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क द डाउट। ओके फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू सम सिंपल क्वेश्चंस। राइट द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मुझे क्यूब की फॉर्म में गिवन है, मुझे एक्सपैंड करके, यानी कि मुझे इस तरीके का फॉर्मूला गिवन है, मुझे उसको एक्सपैंड करके लिखना होगा। यस रमनी? मैम अपने लास्ट में भी स्क्वायर डाल रहे हैं। नहीं, यहाँ मैंने गलती से डाल दी है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, दिस विल बी पावर 1 ओनली। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। सो दिस इज -√2x +y + 2√2z इंटू -√2x +y + 2√2z। यहाँ मैंने स्क्वायर डाल दिया था, रिमूव दैट, क्योंकि स्क्वायर को हमने अगेन फैक्टराइज करके पावर 1 एंड पावर 1 के साथ लिखा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, तो क्यूब वाला हमें फॉर्मूला गिवन होगा, तो वी आर टू राइट डाउन दैट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म।
क्यूब में हमने दो फॉर्मूले किए थे, ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब. सो ए प्लस बी होल क्यूब, एनी वन ऑफ यू कैन टेल वॉट इज दिस इक्वल टू, सो दैट आई कैन सी कि फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं या नहीं. ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? यस अर्शप्रीत. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इनटू ब्रैकेट ए प्लस बी. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट टू ए प्लस बी. ठीक है बच्चे, ठीक है. पनिका, ए माइनस बी होल क्यूब. यस मैम. ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी. प्लस और माइनस? माइनस. माइनस, ओके. माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी. आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, ये टर्म्स आपकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ जहां पे आपका ए प्लस बी होल क्यूब लगा है हर जगह पे आपका प्लस आ जाएगा, जहां ए माइनस बी होल क्यूब लगा है हर जगह पे आपका माइनस आएगा. फर्स्ट टर्म दोनों की पॉजिटिव बनेगी, बाकी सब टर्म्स आपकी नेगेटिव आ जाएंगे. यस पानिका. ओके पानिका's हैंड इज डाउन. यस रमनीक. ओके आई जस्ट वांट टू गिव द आंसर. ओके ओके ओके. अब क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 1 होल क्यूब. सो दिस इज 2x प्लस 1 होल क्यूब. तो a को 2x ले लोगे, b को 1 ले लोगे. सो a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला लिख दोगे यहाँ पे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी. अदरवाइज आप इसकी जगह इसको ब्रैकेट को ओपन करके भी ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. सेम वे में ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, बट कोशिश ये करना कि ये डायरेक्ट ना लगाओ, क्योंकि यहाँ बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं. इसमें माइनस ले लेते हैं, इसमें प्लस ले लेते हैं, तो यू गो फॉर दिस फॉर्मूला ऑनली. तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी. अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 2x का होल क्यूब. तो जब इस तरह से क्यूब आते हैं आपने ध्यान रखना है न्यूमेरिक वैल्यू का भी क्यूब करना है, वेरिएबल का भी क्यूब करना है. कई बच्चे क्या करते हैं दोनों में से एक का क्यूब कर जाते हैं दूसरे का नहीं करते, तो दैट विल बी रॉन्ग. तो 2 क्यूब इज 8, x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज 1 प्लस, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना है, 3 टू जार 6 इंटू 1 इज 6 और x अकेला है, तो दिस इज 6x ब्रैकेट 2x प्लस 1. तो इसको भी दो स्टेप्स में सॉल्व करो तो देयर वॉन्ट बी एनी मिस्टेक्स. सो दिस इज 12x स्क्वायर प्लस 6x. सो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x विल बी योर आंसर. सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंशन. नाउ द नेक्स्ट एक्सपेंशन क्वेश्चन वी आर हैविंग इज 2a माइनस 3b होल क्यूब. So here we will apply, this is of the form a minus b whole cube. A or b ki jaga main x or y le rahi hu taki confusion na ho. So this is x cube minus y cube minus 3xy into x minus y. Ab ye hamara x hai aur ye hamara y hai. To isko simplify karna hai humne pehle x ka cube yani ki 2a ka cube minus y ka cube yani ki 3b ka cube. माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वाई देन एक्स माइनस वाई. तो ये वाला फॉर्मूला एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई. एक्स लिखो, ए लिखो, वाई लिखो, बी लिखो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग. फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है. तो ये हमने ले लिया, अब इसको एक्सपैंड कर देंगे. तो टू ए, टू का क्यूब इज एट, ए क्यूब इज ए क्यूब माइनस थ्री क्यूब इज 27, देन बी क्यूब माइनस, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज अगेन माइनस, तो माइनस रह गया ये, थ्री टू जार सिक्स, सिक्स थ्री जार 18 ए बी और ब्रैकेट में अगेन वी आर हैविंग 2a माइनस 3
बी। अब इसको फिर से ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स आपकी एज इट इज आ जाएंगी, सो दिस इज 8a³ माइनस 27b³ माइनस दिस इज 18 2s are 36, a इंटू a स्क्वायर, b अकेला है, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 18 3s are 54, a अकेला है, b इंटू b विल गिव यू 50 b स्क्वायर, सो दिस इज प्लस 54 a b स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर। सो इसमें जो मर्जी हो आपकी फर्स्ट टर्म, जो मर्जी हो सेकंड टर्म, अगर दो टर्म्स का सम या डिफरेंस और क्यूब गिवन है तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला आपका बनेगा। टू टर्म्स हैं और होल का क्यूब है, ये ध्यान रखना। सो एक और ले रहे हैं हम, इसमें नेगेटिव वाले के साथ ले रही हूँ, पॉजिटिव वाले यू विल ट्राई योर सेल्फ। So if there will be requirement, so you can tell me, I will give some more questions related to this. So we are having x minus 2/3y whole cube. Ab x ko hum le lenge first term, yani ki a, y ko hum le lenge b. To formula hai hamara a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. आप जब भी क्वेश्चंस बचे इसके करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डू राइट द फॉर्मूला। एक तो आपको पता लगेगा कि आपने पेपर में फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, सेकेंडली आपकी जो जितनी बार ये हाथ से निकलेंगे आपके फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होते रहेंगे, तो एग्जाम्स में दे वोंट डिसीव कि आपको नहीं आते होंगे, ऐसा नहीं होगा। सो नाउ ए हमने ले लिया एक्स, बी ले लिया हमने 2/3y, तो ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, देन माइनस बी का क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि माइनस बी का क्यूब ले रहे हो, यहाँ पे माइनस बी ही था, तो माइनस जब मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ दोबारा से नेगेटिव आपने नहीं लगाना, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला बनाया है, ए माइनस बी, तो इट मीन्स ए आ गया आपका एक्स, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 2/3y बन रही है, तो 2/3y के आगे दोबारा से नेगेटिव साइन आपने नहीं लेना है। सो दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इज एक्स, बी इज 2/3y इंटू ए माइनस बी, यानी कि जिसका होल क्यूब गिवन होता है वो एज इट इज आ जाता है आपका। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2³ is 8, 3³ is 27, तो दिस इज -8/27y³। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -2xy इंटू x-2/3y। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लोगे, सो दिस इज एक्स क्यूब। मेन जो है इसमें बेटे, आपने कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, अदरवाइज फॉर्मूला अगर आपको आता है तो सिर्फ कैलकुलेटिंग पार्ट है। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2, एक्स वाई इंटू एक्स, एक्स 2 times मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई सिंगल टाइम था, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, कटिंग नहीं हो रही 2 and 2/3 में, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 2s are 4/3, अब एक्स सिंगल टाइम है, वाई दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट इज वाई स्क्वायर, सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 8/27y³ माइनस 2x² y प्लस 4/3xy², सो दिस इज योर आंसर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर टू डू, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ये बने आपके a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। अब इसी में न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, जैसे हमने कल किए थे क्वेश्चंस, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, फाइंड द क्यूब ऑफ 102, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन आपने क्यूब फाइंड आउट करना है 102 का। तो सेम वे में आपने करना है कि जो भी आपका नियरेस्ट जीरोस वाला नंबर बन रहा है, 100 बने, 10 बने, 50 बने, तो दैट यू आर टू टेक, कोशिश 110,000 इस तरह की करनी है हमने, तो 102 का क्यूब है, तो दैट कैन बी रिटन एज 100 + 2 होल का क्यूब। 102 को मैंने स्प्लिट कर लिया 100 + 2 में, और ये होल का क्यूब एज इट इज आ गया। अब ये मेरी फॉर्म बन गई a plus b whole cube, so same formula I will go for this, so this is equal to a cube plus b cube plus 3
into A into B into A plus B. So this is equal to 100 cube. इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो. 100 का क्यूब था, 2 जीरोस का क्यूब है तो 3 टाइम्स 2 जीरोस आ जाएंगी आपकी, यानी कि 10 लाख हो गया ये आपका. प्लस 8 प्लस दिस इज 3 टू आर 600. अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपने दोबारा से इसको 100 टू नहीं लिखना, हमने बिल्कुल भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, तो हम सिंपली लेके चलेंगे. सो दिस इज 10 लाख प्लस 8 प्लस 60,000 हो जाएगा, 6 के आगे 4 जीरोस, प्लस दिस इज 1200. अब इसको आप ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज योर क्वेश्चन. टेन लैक्स 61,208 विल बी योर आंसर. तो क्वेश्चन आप कर लेना. सेम वे में वी आर टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 998. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. सिंपली हमने क्या किया, उसको 100 प्लस 2 लिखा, 100,000 के साथ हमने लेके चलना है. जितने नंबर ऑफ जीरोज 1 के साथ होते हैं उनका स्क्वायर या क्यूब लेना आपके लिए इजी होता है. तो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. यहाँ आपने बस ध्यान रखना है कि जो आपने 3ab मल्टीप्लाई करके लिखा है इसको फिर से ऐड करके आगे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको एज इट इज आपने मल्टीप्लाई करना है. देन जो टर्म्स आ जाएंगी आपने उनका सम ले लेना है. द नेक्स्ट वन इज 998 होल क्यूब. 998 के नियरेस्ट जो हमारा नंबर बनता है दैट इज 1000 जीरोस वाला. तो दिस इज 1000 माइनस 2 होल क्यूब. 1000 माइनस 2 यानी कि a माइनस b. तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a इंटू b इंटू a माइनस b. सेम वे में यहाँ पे दोबारा फिर नहीं आप इसको लोगे, जब नेक्स्ट स्टेप में लोगे. तो अब 3 जीरोस हैं आपकी, 3 टाइम्स आप उसको कर रहे हो तो इट मींस टोटल 9 जीरोस आ जाएंगे. यहां 998 नहीं लेना. दिस विल बी माइनस इनटू माइनस प्लस. तो ओवरऑल जो है आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे सो दिस विल बी 9940112992. सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन एडिशन आप कर सकते हो. सो 9940112992. सो दिस इज योर आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चंस में विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन जहां पे भी आ रहा है नियरेस्ट जीरोस वाला नंबर देखो. प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो, एंड देन जो भी उसमें आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है, क्यूब की है तो क्यूब करो, स्क्वायर की है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करो एंड सिंप्लीफाई. नेक्स्ट वन वी आर हैविंग अगेन, अब फैक्टराइज है इसमें. तो फैक्टराइज क्योंकि हम यही फॉर्मूला कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं. अब इसमें ध्यान दो, दो टर्म्स हमारे पास क्यूब वाली है और दो टर्म्स जो है वो विदाउट क्यूब वाली है, जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 हमारा बनेगा. तो अगर हमारे पास दो टर्म्स क्यूब वाली हैं और टोटल टर्म्स हमारे पास 4 बन रही हैं, जिसमें अगर तो सारी टर्म्स मेरी पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा. अगर बीच में दो टर्म्स आपकी नेगेटिव हैं, दो पॉजिटिव हैं और क्यूब्स के साथ हैं तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा. वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म हमने नेगेटिव लेनी है, कौन सी टर्म हमने पॉजिटिव लेके चलनी है. अब क्वेश्चन है मेरे पास 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. टर्म्स ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये साफ पता लग रहा है क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, दो टर्म्स हो गई क्यूबिक.
और ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, सभी के सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इट मींस ए प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। अभी तो क्योंकि हम कर ही यही रहे थे तो आपको डायरेक्ट पता लग गई, बट जब क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं तो आपको मतलब काफी सोचना पड़ता है कि कौन सा आपका कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। यू नीड द प्रैक्टिस फॉर दीज थिंग्स। अब एट ए क्यूब जो है दैट इज क्यूब ऑफ टू ए, बी का क्यूब इज बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b वाली फॉर्म मुझे बनानी है, तो इन दोनों में से मैंने क्या किया, 3 बाहर लिया, ए बी की जगह a की जगह 2a है, b की जगह x है, तो 3 into 2a into b। अब रह क्या गया यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या होता है 2a plus b। अब इसको चेक कर लो एक बार कि ये चीज आ भी रही है या नहीं आ रही, अदरवाइज आप एक स्टेप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो बीच में। आप क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो कि क्या कॉमन बन रहा है, 12a स्क्वायर b और 6ab स्क्वायर में यू आर हैविंग 6ab एज कॉमन, तो मैंने 6ab कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया मेरा 2a प्लस b। अब इसको चेक कर लो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपकी बन रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आपकी बन रही है, इट मींस दिस वन इज ओके, देन गो फॉर दैट स्टेप, इसको 3ab की फॉर्म में लिख दो, तो 2a फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला आपका बन गया। इस फॉर्म में हमें गिवन था, इसको हमने इस फॉर्म में रीराइट कर लिया, तो अब ये बन गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स की जगह 2a, वाई की जगह b होल का क्यूब। सो अगेन क्योंकि फैक्टराइज था तो क्यूबिक में मैंने नहीं छोड़ना इसको, तो 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, सो दिस विल बी योर आंसर। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन से साइंस बन रहे हैं बीच में, ए अगर तो सभी टर्म्स क्यूब में पॉजिटिव थी तो इट मींस ए प्लस बी होल क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला बन रहा था। मंडे क्योंकि अब 1 मिनट इज लेफ्ट, तो वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मंडे वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस जो ए माइनस बी होल क्यूब पे बनेंगे, देन जो हमारी आइडेंटिटीज हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। मंडे जो है बीच बीच में से मैं आपके वो भी पूछूंगी फॉर्मूले, आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, तो मेन होमवर्क में जो आपने आइडेंटिटीज हैं अपनी वो लर्न करनी है। मंडे में किसी भी बच्चे को बीच में से अनम्यूट करके कह सकती हूँ दैट यू आर टू गिव द आंसर। सो विद दिस आर टूडेज लेक्चर इज ओवर, इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट।